पैर इतना फैलाओ जितनी चादर हो, ये बात स्मार्टफोन में भी लागू होती है। जितना पैसा डालोगे उतने ही कमाल के फोन आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो 25,000 वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर आपको बहुत ही धुरंधर वाले फोन मिलते हैं, और ये जो फोन है सेल के दौरान आपको और भी गजब के प्राइस में मिल जाते हैं। यदि आपका बजट है 25,000 रुपए, आज मैं आपको 5 ऐसे फोन बताऊंगा जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। यहाँ पर अच्छी वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कमाल का कैमरा होगा, कमाल की बिल्ड क्वालिटी होगी, और कोई फोन छूट जाता है कृपया करके आप भी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जनता को ये पता चले आपका फेवरेट फोन कौन सा है। भाई इसी बात में एक लाइक बनता है, चैनल पे पहली बार पधारे हैं सब्सक्राइब तो पक्का करिएगा। जो रैंक रखी है वो मैंने रखी है 5 से लेकर 1 तक। जो रैंक आपको देनी है वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें नंबर के फोन की, और यहां पर है IQOO का Z7 Pro। ये फोन Amazon में काफी तगड़ा वाला बिका है। एक अपडेट दे देता हूं, यदि आपको लावा का अग्नि 2 बाय करना है, मैं अपना फोन बेच रहा हूं केवल 17,000 रुपए का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, मेरा ट्विटर पेज होगा, जाके मुझसे बात करिए, वहां पर मैं आपको फटाफट रिप्लाई करूंगा। यदि आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। IQOO के Z7 Pro में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 7200। आपको याद है Vivo का V27, वहां पर भी यही वाला प्रोसेसर था। प्रोसेसर अच्छे से काम कर रहा है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला है। आगे की तरफ 120Hz कर वाला एमुलेट डिस्प्ले मिलता है। देखने में फोन काफी सुंदर है, बैक में प्लास्टिक नहीं है, एजी ग्लास है। जो फोन का वेट है ये है 175 ग्राम, पतला भी फोन है, और जो बैटरी है वो है 4600 mAh की। मतलब यार एक दिन किसी ना किसी तरह चल जाएगा। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 66 वॉट का, जो आपके फोन को फटाफट चार्ज कर देगा। जो UI है ये भी सही तरीके से काम कर रहा है, कोई ग्लिच नहीं है। बैक में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो आपको अच्छी वाली फोटो दे देगा। लेकिन एक दाग है, जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर का ना होना। लेकिन नॉर्मल जो आप फोटो लेंगे ना मेन सेंसर से, ये आपको काफी कमाल की लगेगी। OIS का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये भी काफी स्टेबल होने वाले हैं। यदि आपको IQOO का फोन लेना है, मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में IQOO Z7 Pro काफी कमाल की डिवाइस है। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। 4th नंबर में जो फोन है ये है Realme का 11 Pro Plus। ये भी बहुत पहले नहीं लॉन्च हुआ था, नया वाला डिवाइस है। यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 7050। ये सही से काम कर रहा है, बेंचमार्क स्कोर अच्छा मिल जाता है, फोन में कोई भी टोटल इशू नहीं है। बट इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काबिले तारीफ है। बैक में वेगन लेदर मिल जाता है, बिना बैक कवर के भी आप फोन को यूज कर सकते हैं। जो कैमरे का मॉड्यूल है ये मुझे नया सा लगता है, और बाहर की तरफ ज्यादा निकला भी नहीं है। फोन का जो वेट है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। आगे की तरफ 120Hz का कर वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये भी काफी शानदार है, मतलब बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में काफी लल्लन टॉप है Realme का 11 Pro Plus। प्लस में आपको यार जो कैमरा मिलता है वो है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है। फोटो भी यार आपको कमाल की लगेगी, फोटो में भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो UI है थोड़े से यार इधर उधर वाले ब्लोटवेयर मिलेंगे, लेकिन कोई भी ग्लिच नहीं है। और बैटरी है 5000 mAh की, वो भी 100 वॉट के चार्जर के साथ। यदि आपको Realme का नया वाला फोन लेना है, आप जा सकते हैं Realme 11 Pro Plus की तरफ। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। 3rd नंबर में पोको का F5। इस फोन का जो सबसे बड़ा वाला हथियार है वो है परफॉर्मेंस। यहां पर जो आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 under 30K, ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है। बेंचमार्क स्कोर कितना ज्यादा है, फोन में कोई भी टोटल इशू नहीं है। और भाई UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड वाली भी फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट भी है, और जो फोटो आपको लगेगी वो भी आपको डीसेंट लग जाएगी। आगे की तरफ 120Hz का फ्लैट वाला एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले की जो आउटडोर की ब्राइटनेस है ये भी काफी कमाल की है, लेकिन एक ही सजेशन है, बैक कवर के साथ इस फोन को यूज करिएगा। और मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद आ रहा है, व्हाइट कलर वाला फोन। यार कलर तो अपने अपने ऊपर है, कौन से कलर का फोन आपको अच्छा लग रहा है पोको के F5 में। जो UI है ये भी सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी कमाल की लगेगी, जैसे IR ब्लास्टर, सामने वाले की कॉल को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि गूगल का डायलर नहीं है। भले इधर उधर वाली थोड़ी सी एप्लीकेशन मिलेगी, फटाफट उसको डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस जिनको चाहिए उनके लिए पोको का F5 काफी गजब का डिवाइस है। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। 2nd नंबर में इन्फिनिक्स का 035G। लग रहा है इन्फिनिक्स वालों ने इस फोन को
बहुत ही तसल्ली से बनाया है। बैग में वेगन लेदर मिलता है, ग्रिप बहुत अच्छा है, फोन का जो डिजाइन है ये भी आपको कमाल का लगेगा, और पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। 4K वाले वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, OIS का सपोर्ट मिलता है, जो आप फोटो भी निकालेंगे ये भी आपको झकास लगेगी। आगे से भी आप 4K वाले वीडियो तो रिकॉर्ड ही कर सकते हैं, और जो मेन सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का। अच्छा कैमरे वाला फोन मैं कह सकता हूँ इस वाले फोन को। Infinix वालों ने डिस्प्ले में भी कोई कटौती नहीं करी है, 144Hz का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 120Hz वाला नहीं है। और अच्छी बात यह है Gorilla Glass 5 को प्रोटेक्शन मिलता है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है ये भी बहुत अच्छी है, डिजाइन के मामले में इस फोन को आप फेल नहीं कर सकते। बैटरी को भी छोटा नहीं किया गया है, 5000 mAh की जो बैटरी है वो बिंदास आपका एक दिन चल जाएगी। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 68W का, डबल स्पीकर है, NFC का सपोर्ट है, मीटर है का डायमेंसिटी, 8020 वाला प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है ना ये मोटो के H40 में भी मिल चुका है, सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे हिसाब से Infinix का 035 या बाय कर सकते हैं, सेल के दौरान काफी अच्छे वाले प्राइस में आ चुका है। यहाँ पर क्या प्रोज है क्या कौन सा है अब आपके सामने है। क्या लगता है Infinix का Note 35G क्या हमें बाय करना चाहिए? अब बात करते हैं नंबर 1 फोन की। ये फोन 20,000 रुपए में सेल के दौरान मिला था, लेकिन अब इस फोन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन इंडिया में मिल रहा है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वाला डिवाइस है मोटो का H40 Neo। और इस फोन का फुल रिव्यू कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल में आ चुका है, और काफी ज्यादा बिका है मोटो का H40। यदि आपको विद्वत तरीके से जानना है ये फोन कैसा है एक बार जाके उन वीडियो को देखिए। बैक में 50 मेगापिक्सल का आपको विद OIS कैमरा मिलता है, फोटो यार प्राइस को देखते हुए आपको काफी कमाल की लगेगी। 4K वाले वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है ये भी आपको अच्छी वाली फोटो दे देगा, और बिल्ड क्वालिटी में मोटोरोला ने क्या मस्त काम किया है। फोन का जो वेट है ये है 172 ग्राम, वो भी वेगन लेदर के साथ। आगे की तरफ 120Hz का नहीं 144Hz का OLED वाला डिस्प्ले मिलता है, वो भी कर वाला डिस्प्ले। की जो आउटडोर की ब्राइटनेस है वो है 1300 nits की, देखने में फोन काफी ज्यादा सुंदर है। और जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का डायमेंसिटी 7030। प्रोसेसर भी यार सही तरीके से काम कर रहा है, जितना पैसा आपने दिया है उसके हिसाब से अच्छा वाला है। इधर उधर वाली कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ UI है। मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हैं यदि स्टॉक में रहता है मोटो का H40 Neo। लेकिन ऐसा लग रहा है इसका जो स्टॉक है ये काफी ज्यादा लिमिटेड है। यहाँ पर क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अब आपके सामने। क्या कहते हैं मोटो का H40 Neo जिस प्राइस ब्रैकेट में अभी मिल रहा है, क्या हम बाय कर ले? मैंने आपको 5 ऐसे फोन बता दिए जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। बहुत सारे फोनों में कमाल का डिस्काउंट चल रहा है हर सेल में यार, मेरे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।